गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज ऑनर्स पार्ट टू के स्टूडेंट्स के लिए मैं डॉक्टर अनीता माथुर, हम बायोम्स पे बात करेंगे जिनको हम जीवोम भी कहते हैं। और ये जो हमारा चैप्टर है बायोम्स वाला, ये एक तरह से डिटेल्ड स्टडी है वर्ल्ड की, जिसमें हम जितना भी यहाँ का वेजिटेशन है, जितने भी एनिमल्स हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो एक तरह से अगर हम बायोम्स की बात करते हैं या बायोम्स को अच्छी तरह से तैयार कर देते हैं, तो हमारा विश्व की वनस्पति और जंतु जगत पे पूरा कमांड हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि ये जो चैप्टर है बायोम्स वाला, इसको आप हमेशा अच्छे से कीजिए, ताकि आपको कहीं पे भी, इवन जनरल नॉलेज में भी आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैप के लिए भी आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक तरह से वर्ल्ड ज्योग्राफी, लोकेशन, क्लाइमेट, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसे जीवोम या बायोम कहा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बायोम है क्या। जब पारिस्थितिक रूप में समस्त पादपों और प्राणियों का सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है, तो हम उसे बायोम या जीवोम कहते हैं। सम्मिलित अध्ययन का क्या आशय है कि हम जितना भी वहाँ की वनस्पति है और जीव है, उनका एक साथ अध्ययन करते हैं, उसको हम बायोम कहते हैं। सामान्य रूप से बायोम के अंतर्गत महाद्वीप के उन सभी भागों के समस्त पादप और प्राणियों को सम्मिलित करते हैं जिनकी सामान्य विशेषताएं उन समस्त भूभाग में लगभग समान होती है। वहाँ की जो फिजिकल कंडीशंस हैं या ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, वो समान होती हैं, और इनके अतिरिक्त वेजिटेशन और एनिमल्स भी समान होते हैं। तो हम मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि जैसे भूमध्य रेखा का क्षेत्र है, अगर हम उस क्षेत्र को 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण इसका अध्ययन करें, तो ये वो क्षेत्र है जिसमें समान प्रकार की जलवायु पाई जाती है, समान प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। तो हमने उसको एक जीवोम का नाम दे दिया, भूमध्य रेखीय बायोम। तो ये हमने उसको टोटल जितना भी वर्ल्ड में उस तरह का रीजन है, उसको यहाँ पर हम एक साथ पढ़ेंगे। अगर हम इसकी परिभाषाओं की बात करते हैं, तो सिमंस के अनुसार जलवायु और वनस्पति की समानता वाले एक वृहद क्षेत्र में विस्तृत पादपों और प्राणियों के प्रमुख प्रादेशिक परिस्थितिक समुदाय को जीवोम कहते हैं। उसमें सेम कंडीशंस की चर्चा उन्होंने की। उसके बाद कॉर्मंडी ने बायोम्स के बारे में लिखा है, एक वृहद प्रदेश या उपमहाद्वीप में विस्तृत प्रमुख स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों को एक साथ बायोम के नाम से जाना जाता है। सविंद्र सिंह ने अपनी पुस्तक में बायोम्स के बारे में लिखा है, जब पारिस्थितिक रूप में समस्त पादप और प्राणियों को सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम जीवों कहते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये परिभाषाएं आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें, तो हम ये कह सकते हैं कि भौगोलिक समरूपता वाले एक वृहद प्रदेश में पाए जाने वाले प्राणियों और पादपों के समूह को हम जीवोम कहते हैं। प्रादेशिक स्थलीय विस्तार, प्राकृतिक दशाओं में समानता और जैविक समुदाय एक जीवोम की स्पेशल क्वालिटीज होती हैं या विशेषताएं होती हैं। एक जीवोम के पादप और प्राणियों में भी कुछ स्पेशल प्रजातियों का प्रभुत्व हमेशा देखने को मिलता है। अब अगर हम जीवोम के प्रकारों की बात करते हैं, तो मोटे रूप में हम इसको दो भागों में बांटते हैं। पहली बात करते हैं हम स्थलीय बायोम और दूसरी चीज है जलीय बायोम। क्योंकि हमारी पृथ्वी पर जितने भी वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो झील हो, चाहे नदी हो, उनका भी अपना एक इकोसिस्टम होता है, और जल के भीतर भी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं और साथ ही साथ वनस्पति भी वहां पर पाई जाती है। तो हमने मोटे तौर पर हमने इसको नाम दिया है स्थलीय बायोम और जलीय बायोम। नेक्स्ट हम इसको जो
डिवाइड करते हैं, उसका आधार हम जलवायु और वनस्पति को भी मानते हैं। जैसे वनस्पति और जंतुओं के वितरण के प्रतिरूप और जलवायु प्रकारों के संबंध के आधार पर हम बायोम का निर्धारण करते हैं। क्योंकि बायोम में वनस्पति का सर्वाधिक प्रभुत्व होता है और वनस्पति जलवायु में गहरा संबंध होता है, अतः जलवायु के आधार पर विश्व में हम बायोम्स को डिवाइड करते हैं। अगर हम विश्व की जलवायु की बात करें तो मोटे तौर पर हम उसकी जलवायु को तीन भागों में बांटते हैं, जिसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु, शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु और टुंड्रा जलवायु। हम भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय बायोम में आता है। वहाँ पे वर्ष पर्यंत तापमान ऊंचे रहते हैं, वर्षा का की मात्रा भी अच्छी होती है, इसलिए मोटे तौर पर ये क्षेत्र जो है ये सघन वनस्पति का क्षेत्र पाया जाता है। परंतु हम इसके उत्तर या और दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर तापमान कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं, आर्द्रता की मात्रा भी कम हो जाती है और वहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। फिर हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर टुंड्रा जलवायु पाई जाती है, बहुत ठंडा प्रदेश होता है ये, और इसके और अधिक उत्तर में तो हमेशा बर्फ जमी रहती है और वहाँ का पारिस्थितिक तंत्र कुछ अलग क्वालिटीज को लिए हुए होता है। तो जब हम सबसे पहले बायोम की बात करते हैं, बायोम के डिवीजन के आधार की बात करते हैं, तो उसमें हम उष्णकटिबंधीय बायोम की बात करते हैं। तो उष्णकटिबंधीय बायोम में अगर अपन देखें तो मोटे तौर पर गर्म शीतोष्ण बायोम आते हैं, वन बायोम आते हैं, सवाना बायोम आते हैं और मरुस्थलीय बायोम आते हैं। अधिकांश मरुस्थल जो है वो इसी उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों में ही पाए जाते हैं। फिर शीतोष्ण कटिबंध में अक्सर हम देखते हैं टैगा वन का क्षेत्र आता है, पतझड़ी वन का क्षेत्र आता है, घास के और भी क्षेत्र आते हैं और रूम सागरीय जलवायु यहाँ पर इस क्षेत्र में आती है। और टुंड्रा की बात करते हैं तो इसमें टुंड्रा बायोम वो वाले आते हैं जो सुदूर उत्तर में है, बर्फीले क्षेत्र में है, और उसके दक्षिण में जो अल्पाइन टुंड्रा क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ पर ये अल्पाइन टुंड्रा बायोम पाए जाते हैं। तो अगर सिंपल शब्दों में हम इसे समझें तो हमने स्थानीय भौगोलिक परिस्थिति जिसमें तापमान और वनस्पति ये दो चीज़ें जो है ये मेन रूप से डोमिनेट करती हैं, तो उसके आधार पर हमने इस प्रकार से एक मोटे तौर पर इसको हमने बांट दिया है। अब अगर हम जलीय बायोम की भी बात करते हैं तो जल में भी दो प्रकार के बायोम पाए जाते हैं। एक तो होता है जिसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर इकोलॉजी, जिसमें सेलाइन की मात्रा, खारेपन की मात्रा नहीं होती है या अत्यंत अल्प होती है और वो जो वाटर होता है वो बहता हुआ फ्रेश पानी होता है, तो उसमें अलग प्रकार की परिस्थितियां पाई जाती है। परंतु अगर हम इसके विपरीत हम बात करते हैं महासागरीय बायोम की, तो वहाँ पर किस प्रकार के बायोम पाए जाते हैं जो कि महासागरों में के क्षेत्रों में मिलते हैं। अब महासागरीय जल भी दो प्रकार का होता है, एक उष्ण महासागरीय जल होता है तो वहाँ पे उष्ण जलीय बायोम पाए जाते हैं, दूसरा शीत सागर जल बायोम होता है तो वो कंपैरेटिवली उन तटों पे होता है जहां पर जो जल का तापमान है वो किसी कारण से बढ़ा हुआ होता है। तो आप ये देखिए कि इसमें भी जलीय बायोम में भी हमने इसको अलग अलग प्रकार से बांट दिया है। तो हमने ये जो बायोम का अध्ययन या बायोम के प्रकारों का अध्ययन हम शुरू करेंगे, उससे पहले हमें ये चीज समझनी चाहिए कि विश्व में पहली बात हमने ये देखा कि जलवायु और वनस्पति के आधार पर हमने इन बायोम्स को बांटा है। तो अगर हम बायोम्स का डिटेल अध्ययन करते हैं तो हमें विश्व की
जलवायु और वनस्पति का डिटेल अध्ययन करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप बायोम को पढ़ना शुरू करें तो उसको डिटेल में पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए और साथ के साथ एक वर्ल्ड के मैप में उसको मार्क करते जाइए। उससे आपको क्या सुविधा होगी कि वो चीज़ आपको याद होती जाएगी, शॉर्ट में नोट्स तैयार होते जाएंगे, तो आप उसको कभी कभी पढ़ लिया कीजिए। अगर हम बायोम को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे तो उसका फायदा हमें क्या होगा कि एग्जाम में कोई मैप बनाने को आएगा तो उसमें बहुत सारी चीजें हमें इसी के द्वारा क्लियर हो जाएंगी और हम इजीली उसको आगे पाएंगे, उसको कर पाएंगे। और जैसे ही किसी चीज का, जैसे हमें टुंड्रा का नाम लिया गया तो हमारे दिमाग में ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कैसा प्रदेश होगा, ठंडा प्रदेश होगा, तो इसकी स्थिति कैसी होगी कि भूमध्य रेखा से बहुत दूर होगा। कोई हमें कहेगा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो हमें एकदम से समझ में आ जाएगा कि इसकी लोकेशन क्या होगी, ये भूमध्य रेखा के आसपास होगा। तो कहने का आशय ये है कि हमें नाम से ही चीजों का पता लग जाएगा, तो इससे हमारा जो जनरल नॉलेज है वो भी काफी इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये आपके सिलेबस में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक बहुत बड़ा है तो स्टूडेंट्स इसको पढ़ने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं और अक्सर ये कहते हैं कि इसमें से आधे कर लें क्या, इसमें से कुछ कर लें क्या। तो आपके फायदे वाली बात तो ये है कि हम इसको अच्छे से डिटेल में कर लें ताकि हमें आगे प्रॉब्लम नहीं आए। और दूसरा ये है कि एग्जाम में कई तरह से इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार वो दो बायोम्स का नाम देके और ये कहते हैं कि भी इसकी कंपैरेटिव स्टडी आप करके बताइए। कई बार किसी एक बायोम की विशेषताओं को विस्तृत वर्णन उनका मान लेते हैं, तो कोई पैटर्न सेटल नहीं होता, इसलिए हम किसी भी बायोम का छोड़ नहीं सकते। और मैं ये कहती हूँ कि आप इसको सिलेबस के आधार पर ना पढ़ के अगर एक जनरल नॉलेज के आधार पर या जनरल इंटरेस्ट के आधार पर भी आप इसको पढ़ेंगे तो ये आपका बहुत अच्छे से टॉपिक तैयार हो जाएगा और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और इसको जब आप पढ़ना शुरू करें तो एक बात ध्यान रखिए कि साथ ही साथ मैप पे भी इसकी स्टडी करते जाइए। आप अगर हाथ से नहीं भी बना रहे, कोशिश कीजिए हाथ से मैप बनाए, नहीं बना रहे तो बहुत सारे आउटलाइन मैप्स लाके रख लीजिए और उन आउटलाइन मैप्स पे जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं उसके साथ साथ ही आप इसकी रचना मानचित्र पे कर लीजिए ताकि आपको ये चीज कभी भी आप भूले नहीं। तो हम अब ये इसका कल के लेक्चर में हम इसको डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। एक एक बायोम की हम बात करेंगे, कौन कौन से मेन हेडिंग्स होंगे जिनके आधार पर हम बायोम का वर्णन करेंगे। सबसे पहले तो हम उसकी स्थिति और विस्तार का करेंगे, फिर वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, या हम ये देखेंगे कि जलवायु किस प्रकार की है, वनस्पति वहाँ पर कौन सी पाई जाती है, मिट्टी वहाँ पर किस प्रकार की पाई जाती है, जंतु समुदाय किस प्रकार का है, पारिस्थितिक उत्पादन वहाँ पर क्या है, और साथ ही साथ इन सब चीज़ों में मानव हस्तक्षेप की क्या स्थिति है। तो किसी भी बायोम को हम इन सब टॉपिक्स के आधार पर पढ़ेंगे तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि ये आप डिटरमाइन हो जाइए कि हमें ये सारा जो चैप्टर है बायोम्स का उसे हमें बहुत प्रॉपर तरीके से करना है ताकि ये सारी प्रिपरेशन आपकी हो जाए। साथ ही साथ मैप की भी रचना हमें बराबर साथ में ही करनी है जिससे ये चीज़ आपके दिमाग में आपके पक्की हो जाएगी। एक बार इनका अध्ययन करने के बाद हम इसके मुख्य बिंदुओं का एक चार्ट भी बना लेंगे जिससे आप उसको लगातार पढ़ते रहें, उसके टच में रहें, तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो हमारी अच्छी क्लासेस चल रही हैं तो आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप भी साथ के साथ पढ़ते जाइए। दूसरा, आपको जिसमें जो हम असाइनमेंट्स देते हैं आप कोशिश कीजिए कि आप उसको सॉल्व करके हमें भेजें ताकि हमें ये पता लगे कि आपको कितनी चीज़ समझ में आ रही है। और अगर आप उन असाइनमेंट्स को करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा कि आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। आपको PDF में हम नोट्स भी भेज रहे हैं, आप चाहें तो उसको अपने कंप्यूटर पे सेव कर लें या चाहें तो आप उसके प्रिंटआउट निकाल के एक फाइल बनाते जाएं तो उससे आपको एग्जाम डेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें एक्चुअली पता नहीं है कि क्लासेस कब स्टार्ट होंगी तो हम ये मान के चलते हैं कि हम बहुत
बेहतर तरीके से आपको अभी से ही बताना शुरू कर दें ताकि आपका सिलेबस टाइम पे हो जाए और हम अधिक से अधिक उसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो आप ये चीजें ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम बायोम का अध्ययन शुरू करेंगे। थैंक यू।